अखिलेश यादव के करीबी सपा विधायक जाहिद बेग ने किया कोर्ट में सरेंडर। 2 घंटे तक सीजीएम न्यायालय हिरासत में रखा। सपा विधायक जाहिद बेग के घर घरेलू कार्य करने वाली नाबालिग युवती के खुद ही कमरे में खुदकुशी करने के मामले में भदोही विधायक समेत उनकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अपने अधिवक्ता के साथ आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने पुलिस ज्यादती को लेकर अधिवक्ताओं और पुलिस कर्मियों से छीना झपटी को लेकर काफी विवाद हो गया था। आखिरकार विधायक ने अपने अधिवक्ता के साथ सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने 2 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखने के बाद जेल भेजा है। ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की नौकरी द्वारा हैंगिंग किए जाने के मामले में भदोही विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक जाहिद बेग ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता और पुलिस अफसरों से विवाद के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता तेग बहादुर और मजहर शकील का वीडियो जारी। संवाददाता उमेश दुबे की रिपोर्ट। जिस तरह से बेहद किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब लोग देखा है। मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई